हेलो एंड गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं हूँ जाकिर नगर ओखला की स्ट्रीट पे। काफ़ी अंधेरा छाया हुआ है और मैं अभी जा रहा हूँ शिमला और मनाली के ट्रिप पे। सुबह 7 बजे की ट्रेन है न्यू दिल्ली से और वहीं मैं जा रहा हूँ। आगे चल करके बताता हूँ, अभी बहुत ठंड लग रही है मुझे। मैं पहुँच गया हूँ जामिया मेट्रो और अब अपने को यहाँ से मोनो मेट्रो पकड़ करके जाना है न्यू दिल्ली। चारों तरफ ये कोहरा घना है और यहाँ दिख रहा है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। यस दैट इज हियर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो मैं 7 बजे आराम से पहुँच गया हूँ न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन। यहाँ से 7:40 में आईटोल मेट्रो स्टेशन, वो भी सही है, मेट्रो से उतर के रेलवे स्टेशन जाना है। तो 7:40 में मेरी ट्रेन है, यहाँ से एंट्री करेंगे और पहुँच जाएंगे फिर अपने शताब्दी में। शताब्दी के अंदर तो बैठ चुका हूँ बट शताब्दी वाली फीलिंग नहीं आ रही है। रीज़न है कुछ ज़्यादा ही गंदा है और एक्सपेक्टेशन से बेकार से मज़ा उल्टा डायरेक्शन में। ट्रेन जिधर जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उठ करके बैठा हुआ हूँ तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। और ब्रेकफास्ट के लिए भी उन्होंने बिस्किट वगैरह भेज दिया, घटिया था। हमें लग रहा था हम लेट हो जाएंगे बट कालका में पहुँच करके पता चला कि जो मोनो रेल है वो ले करके जाती है, तो हमारी ट्रेन यहाँ लगी हुई है। हम यहाँ पहुँचे अराउंड 30 मिनट लेट बट हम जा रहे हैं, हमारी ट्रेन मिल गई है। ये ट्रेन है टॉय ट्रेन, ऐसा टॉय ट्रेन का जो मज़ा आ रहा है ना, पहले मैंने इतना कभी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं लिया था। मेट्रो प्लान से नहीं और उठी गया था बट इतना मज़ा नहीं आया था जितना आज आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त, बच्चे लोग भी भरे हुए हैं अंदर में और ये सब भी खूब चिल्ला रहे हैं, ये लोग चिल्ला रहे हैं। आंटी अंकल लौंडे लबाटे कम मजे कर रहे। इस जर्नी का पहला स्टेशन आया है सनवाड़ा और सोनवाड़ा वॉट एवर जो भी नाम है और हम वहीं पे उतरे हुए हैं। आप सब टूरिस्ट को देख सकते हो, सब लोग रिलैक्स करने के लिए यहाँ उतरे हुए हैं और ऑलमोस्ट 1 घंटे हो गए हैं कालका से निकले हुए। हम शिमला के रास्ते में हैं, यहाँ सोनवाड़ा में हमने ब्रेक लिया है और यहाँ कुछ खाने पीने का नहीं। मैं इस हिसाब से आया था कि कुछ खाने पीने का मिल जाएगा बट कुछ है नहीं, तो शायद मुझे ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। यह है सोनवाड़ा स्टेशन और इसे बैक कैमरे से मैंने देखा है, बहुत बढ़िया है। ब्रिटिशों ने बनाया था उसी टाइम का ये बनाया हुआ है। और ये है अपना ट्रेन जिससे हम आए हैं, लोग फोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। मैं ये सोच के उतरा था कि कुछ खाने का मिल जाएगा क्योंकि मुझे भूख लगी हुई है बट कुछ भी मिला नहीं। इधर फर्स्ट क्लास डब्बे हैं और इधर हमारा जनरल डब्बा, तो और सीटी लग गई है, हमें जल्दी से चढ़ना है ऊपर की तरफ, दौड़ते हुए भागना पड़ेगा नहीं तो ट्रेन जाएगी छूट। 5 घंटे की टायरिंग जर्नी के बाद फाइनली मैं पहुँच गया हूँ शिमला। यह है शिमला स्टेशन और डीजल इंजन का बहुत बैड स्मेल आता है, आई डोंट नो हाउ इट विल इम्पैक्ट माई हेल्थ। सारे लोग उतर करके यहाँ से कुली उली करने के जुगाड़ में हैं और इधर लोग सब बहुत सारे ट्रैवलर घूम रहे हैं, तो सारे टूरिस्ट ही हैं 99%। यही ट्रेन थी हमारी कालका शिमला, देख लो आप, बहुत मस्त जगह है। हिल स्टेशन अच्छा है नॉर्थ इंडिया में। एक्चुअली मैंने साउथ में सारे हिल स्टेशन कवर किए, नॉर्थ में कभी आया नहीं था, तो ये मेरा फर्स्ट है। आई डोंट नो मैं दोबारा आऊँगा नहीं आऊँगा। पीछे की तरफ सनसेट हो रहा है और बहुत सारे लोग भीड़ लगा करके उसको देख रहे हैं, तो हम आपको वो भी दिखाते हैं सनसेट का। तो ये शिमला टाउन आउट ऑफ दिस शिमला स्टेशन नैरोगेज रेलवे स्टेशन, ये है शिमला का शानदार शहर। दिस इज शिमला। बहुत ही शानदार जगह है, जब भी आपको मौका मिले जरूर आना। काफी थकान भरा दिन रहा आज 5 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद। हमने होटल ले लिया, हमारे साथ 3 लोग और मिले हैं तो मैंने प्री बुकिंग की नहीं थी, इन लोगों के साथ में मिलकर के कहा कि होटल ले लो। अब हम डिनर के लिए जा रहे हैं, खाना खा करके और फिर मॉल रोड वगैरह पे घूमेंगे तो दिखाएंगे। अभी बहुत अंधेरा है तो बिल्कुल भूत जैसा दिख रहा है। ये है मशहूर मॉल रोड, मेन मॉल रोड, आपने वो देखा होगा थ्री इडियट मूवी वगैरह में, तो वो भी है, सॉरी वो भी मेन ही है और ये भी मैंने उसी का पार्ट है। तो ये है वो जगह मॉल रोड, यहाँ काफी चमक जमक रहती है, अभी चल के आगे दिखाते हैं। ये तो स्टार्टिंग है ना, इसलिए ऐसा दिख रहा है।
डिनर के बाद हमारा इरादा हुआ कि थोड़ा सा टहल लिया जाए। होटल वाले ने बोला आप 10:30 तक आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आ गया था घूमने के लिए। पूरा शहर सुनसान हो चुका है, कोई इस वक्त तक जागा नहीं रहता। जो लोकल है उनके लिए तो रोज की बात है, तो वो सो जाते हैं जल्दी। और हम जैसे जो टूरिस्ट बच जाते हैं वो आप 2-4 देख सकते हैं जो ये मॉल रोड पे घूमते हुए मिल जाएंगे। मॉल रोड की ये बिल्डिंग है, मेन मॉल रोड मैं आपको दिखा दूंगा उधर जा करके कुछ ऐसा। आप यहाँ पे अभी की जो टाइम है ना, अभी ये सब दुकान में चहल पहल रहती है, बट यूजुअली चूंकि रात हो गया है तो ऑफकोर्स द पीपल लेफ्ट फॉर देयर होम देयर होटल आई मीन। यहाँ से मेरा होटल ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर है और वॉक करते हैं। अच्छा लग रहा है, टेम्परेचर काफ़ी डाउन है, हाथ में काफ़ी ठंड लग रही है, तेज़ ठंड लग रही है। और मोबाइल चलाने के लिए स्पेशली ग्लव्स उतारना पड़ रहा है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। ग्लव्स उतार करके यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल काम है, बट एनी हाउ हम मैनेज कर रहे हैं। ये एक बिल्डिंग अच्छी सी लग रही है। यहाँ जो ज़्यादातर बिल्डिंग है वो ब्रिटिश आर्किटेक्चर का ही नमूना आपको देखने को मिल जाएगा। रीज़न ये है कि ब्रिटिशर्स इसे बहुत प्रेफर करते थे, उन्हें ये यूरोप जैसा फील आता था यहाँ आकर। यहाँ का मौसम बहुत ठंडा होता था इसलिए वो इस जगह पे आना पसंद करते थे।